हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। लेकिन आज मुल्क में हमारा क्या हाल है वो भी आपको पता है। इस मुल्क में हम शान से जी रहे थे, आज जो हाल हमारा है सड़कों पर निकलना मुश्किल। जिस कांग्रेस पार्टी को हम गालियां देते थे, तीन मुख्यमंत्री बनाए इस देश में, बिहार के अब्दुल गफूर, महाराष्ट्र के अब्दुल रहमान अंतुले, आसाम के नवरा तैमूर, हम मंत्री बनाना मुश्किल हो रहा है मुख्यमंत्री के पास हो। तो राष्ट्रपति बनाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुख्यमंत्री नदी अहमद, दो उपराष्ट्रपति बनाए हिदायतुल्लाह और हामिद अंसारी, अभी के सामने आपके अभी काटे। इस मुल्क में जहाँ चाहे आप नमाज पढ़ सकते थे, स्टेशन पे, बस अड्डे पे, रेल में, हवाई जहाज में, जहाँ चाहे पढ़ सकते थे, आज पढ़ के दिखा सकते। लोग कहते थे बिहार जी आओ बैठो, सीट खाली करता था, अगर आज सीट पर बैठा तो कहता है खुला खड़ा हो जा। सफर में निकलना मुश्किल हो रहा है, हमारे जैसे भी जब उत्तर प्रदेश से कहीं जाते हैं और वो बैरिकेड पर रोकते हैं, नाम पूछते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं दस बार के नाम सुनने के बाद इसका रवैया क्या होगा। और रोटी वोटी कपड़े तो सब खाते पीते ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, दरमा में भी लोग खा रहे हैं। एक जिंदगी होती है गुलामों वाली और एक जिंदगी होती है शेरों वाली। इस मुल्क में हम सीधा चौड़ा करके चलते थे और जब कोई अफसर बदमाशी करता था, मुसलमान कहता था मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं सुनना, तो डर जाता था, आज नहीं डरता। दो डंडे फालतू लगते हैं मुसलमान होने के साथ। दिल्ली के हालात, ये जो चुनाव हो रहा है बड़ा छोटा चुनाव है, लेकिन कई बार छोटे चुनाव से शुरुआत होती है। यहाँ 78 के आसपास चौधरी कल्याण सिंह चुनाव लड़े बैठोपंड में काउंसिलर था, वो चुनाव यहाँ से जीत गए, कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली और कांग्रेस में फिर जीत की शुरुआत हो गई। हम एक काउंसिलर जीतेंगे तो फिर नगर निगम का, फिर हम चार काउंसिलर जीतेंगे और चार काउंसिलर जीतेंगे तो फिर MLA जीतेंगे और MLA जीतेंगे तो फिर MP जीतेंगे। खाने को कोई नहीं लेता, एक बाप बैठा होता तो हौसला होता है। आपने कहा बहुत लोग कहने कुछ नहीं किया, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक आदमी था बुजुर्ग, उसके बेटे ये कहते थे कुछ नहीं किया। बुजुर्ग का मरने का टाइम आया, उसने एक वसीयत लिख दी और वो मर गया। वसीयत लिखी तो उसने उसमें कहा कि पहले दिन पहला पेज खोलेंगे, तो उन्होंने पहला पेज खोला, उस पर लिखा था कि मकान में गिरा दो, बच्चों ने गिरा दिया। दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा कि इसे नीचे खोद के देखो, उन्होंने नीचे खोद के देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। तीसरे पेज पर लिखा कि बना के दिखाओ, अब्बा ने मकान बनाया, अब्बा ने कुछ नहीं करा, अब्बा ने कुछ नहीं करा, अब्बा ने मकान तोड़वा दिया, खुलवा दिया और कहा बना के दिखाओ। तो साथ कांग्रेस नहीं करा, जो कोरोना का मामला है पूरे देश में हमारी हालत खराब कर दी, हमारे हमसे बचने लगा, दूर रहने लगा, मुसलमान दूर रहो इससे कोरोना हो जाए। रोज ये आप पार्टी के केजरीवाल और इसका स्वतंत्र जैन रोज टीवी पर बोलते थे कि आज 500 करोड़ के पेशेंट है, जिसमें 200 मरकज के हैं, 150 मरकज के हैं, 300 दूसरे लोग हैं। इतना प्रचार करा कि हमारा आना जाना मुश्किल हो गया। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि वैसे तो कह दो पुलिस हमारी सुनती नहीं, फिर तुमने LGU चिट्ठी क्यों लिखी महाराज साहब के लिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। अब वो ये कह रहे हैं जी हमारी वजह से लोग बचे हुए हैं, हमने FIR नहीं होने दी। अगर आपने FIR नहीं होने दी तो ये जमाती लोग जेलों में कैसे गए, बिना FIR के बिना मुकदमे के तो जेल में आदमी जा ही नहीं सकता, मिलाई को तो जा सकता है लेकिन जेल में जाकर रह नहीं सकता। और फिर साकेत कोर्ट ने अभी फैसला आया कि जमाती है उनको तो
परीक्षा आयोजन और सरकार को फटकार लगाई कि इनको नहीं होना बंद किया गया, इनका कोई कसूर नहीं था कोरोना के बिना। एफ आई आर कैसे हो गया? 173 लोग मंडोली की जेल में बंद रहे, वो कैसे रह गए? उसके बाद जो दंगा हुआ, आप ये कहते हो पुलिस हमारे हाथ में नहीं, ठीक है मान लिया पुलिस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे ना किसी से, जो डीएम है उसको पावर होती है, अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो मिलिट्री को बुला सकता है। 3 दिन तक पुलिस ऐसे हाथ बांधे खड़े रहे, डंडा भी नहीं चलाया, सीआरपी कहीं नहीं बोली, बहुत बुरे लोग लड़ते रहे, शेरपुर चौक पर मुकाबला करते रहे, कदम पुलिस में बेचारे मुकाबला करते रहे, लेकिन केजरीवाल एक दिन आके मौजपुर चौक पर खड़ा हो जाता, उसका बाद भी रोड से निकल जाता, कदमपुरी वालों को आगे देख लेता, पुलिस को तो नौबार करना पड़ता अगर मुख्यमंत्री आता तो। अगर डीएम उसका फौज भी बुला रहे, डीएम बहुत धौला कुआ पर रहती कि दूर नहीं रहती, कैंट में रिया है, एक घंटे में फौज आ जाती रोक लेती, लेकिन उसको नहीं रोका, मरवा दिया, लोग बर्बाद हो गए, दुकानें जल गई, मकान जल गए, लोग मर गए, फिर उसको कोई परवाह नहीं, फिर मुआवजे का ऐलान कर रहे, आधे से ज्यादा लोगों को मुआवजा आज तक नहीं मिला। रिजवा मानितुल्ला की बात कर रहे हैं, मैं गया था मुस्तफाबाद ईदगाह पे, लोग चंदा देने के लिए आ रहे थे, पूरे मुल्क से आ रहे थे, ये चंदा किसी को देने नहीं दे रहे थे, करे नहीं ये वो बोर्ड का कैंप लगाओ, यहाँ चंदा दो, यहाँ चंदा दो, यहाँ चंदा दो। हमारे जज साथियों ने बताया कि हमारे मस्जिद के इमाम को तो महीने की तनख्वाह दे दी, ये मुरीद हो गए, बहुत सी मस्जिदों में चंदा इकट्ठा किया गया मुस्तफाबाद के लिए, कई 10 लाख के, 5 लाख के, 15 लाख के, 2 लाख, वो सारा भी चेयरमैन को उठा के दे दिया। उसके बाद इन्होंने अकाउंट जारी किया वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, कि आप इस वक्त पैसा डालो उनकी मदद के लिए, मदद कहाँ होगी? गोबरपुरी जो टायर मार्केट है, पूछो किसने बनवाई हो, जमेतुल्मा हिंद वालों ने बनवाई, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी ने बनवाई, सारी मस्जिदों की रिपेयर जो हुई ठीक करवाई सारी उन्होंने करवाई, फिर वो पैसा कहाँ है? मकान ही बनवाए, मकान ही बनवाए, तो फिर मुसलमानों के अंदर हो, फिर आपको तय करना पड़ेगा। जिस कांग्रेस की बात करें, 23 नंबर में लड़का मरा था, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता उसके घर पर आए थे, मैं साथ था उनके, राहुल गांधी मुस्तफाबाद जा रहा था लेकिन भरतपुरी की पुलिया को उसको रोक लिया। एनआरसी में आप कहाँ नजर आए? एनआरसी में इंदिरा वो प्रियंका गांधी बार बार इंडिया गेट पर बैठ रही थी, कांग्रेस के नेता सारे प्रोग्राम में जा रहे थे, हमारे ऊपर मुकदमा लगा, वो जब रैली निकाली यार उसकी स्कूटर के उसकी उसका मुकदमा लगा, उसके बाद हमारे समझ में नहीं आता, फिर ऐसा कौन सा आदमी बैठा जो हमें नहीं जानता, एक इल्जाम तो बताओ, हमने बेईमानी करी हो, बदतमीजी करी हो, बात न सुनी हो, किसी से रिश्वत मांगी हो, किसी के साथ न खड़े हो, एक बात तो बता दो, 200 यूनिट पर, और अब तो इसमें तो 200 यूनिट भी नहीं है, इसमें तो बिजली भी बंद नहीं हो रही, पानी भी बंद नहीं हो रहा है, तो कारपोरेशन का चुनाव है, और जब कारोबार नहीं होगा तो 200 यूनिट क्या कर लेगी? 200 यूनिट से कम तो हम भी सब्सिडी दे रहे थे, हम भी छूट दे रहे थे, और मैं कह रहा हूँ 200 नहीं, हम तो 10,000 बिल देने को तैयार, कारोबार तो हो, रोजगार तो हो, वो सारा खत्म होता जा रहा है, तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा, आपके सामने है ये। अभी जो पीछे एमएलए थे, 5 साल एमएलए रहे, उसको जनता ने तो नहीं हराया, उसकी पार्टी ने टिकट काट दिया, वो उठा के कैंची लेकर कपड़ा काटना शुरू कर दिया, तो हम भी बैठे थे या नहीं बैठे थे इलाके में, कहीं देखा था किसी ने? नहीं। अब कारपोरेशन बुला के कह दिया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, चुनाव तो आपने हमें हराया है, अब हराया नहीं जलील करा है, चुनाव हारा हुआ होता 1,000-2,000 का, 5,000-10,000 का, ये चुनाव 52,000 वोटों से हराया आपने, उसे चुनाव नहीं हराया, जनता की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद घर में बैठा था और तुमने हमें दलील करा 52,000 वोटों से हरा के, फिर हम तुम्हारी खिदमत के लिए रोज बैठे, रोज काम करते हैं,
पे फैसला करना पड़ेगा कि इस इलाके के लिए बेहतर कौन है। आज भी अल्लाह के शुक्र है उनसे ज्यादा सुनवाई है हमारी, हम करवा के देखेंगे। सुनवाई करवाई जाती है, सुनवाई अवेलेबल की नहीं होती, आदमी की ताल्लुक की होती है। ताल्लुक बनाया जाता है, उसके लिए मेहनत करी जाती है, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, उनकी भी बात सुननी पड़ती है, उनके भी काम करने पड़ते हैं। ऐसी थोड़ा ही तो है, खाली एमएलए को कौन पूछ रहा है। तो मैं अपील करना है, कांग्रेस पार्टी आठ नौ लोग टिकट मांग रहे हैं। हम बैठ कर फैसला करेंगे, आपस में सबको बिठाएंगे, सबसे बात करेंगे। चुनाव तो एक भी लड़ना है, तो नहीं लड़ सकते। अगर ये नौ लड़ सकते होते तो मैं नौ को भी लड़ा लेता। नहीं है, सारे इस लायक हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो इस लायक ना हो, लेकिन मजबूरी है, चुनाव तो एक ही लड़ा है। हम कोशिश करेंगे मिला के इनसे बात करके एक को चुनाव लड़वाएं, लेकिन चुनाव लड़वाने का काम जिम्मेदारी आपकी है। आपको सियासत का हिस्सा लेना चाहिए। आप कहते हैं हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेते, क्यों नहीं लेते राजनीति में हिस्सा? हम राजनीति नहीं करते, राजनीति नहीं करोगे तो देश को आपका कुछ नहीं उठाएगा। आपके कामों को नेता ही तो करेगा, आपकी बातों को नेता ही तो सुनेगा, आपकी बातों को आगे तक वही तो पहुंचाएगा। अगर आपका नेता ही कमजोर होगा तो कौन सुनेगा? नेता ही आपका चोर होगा, बेईमान होगा, उसकी कौन सुनेगा? मैं जो करता हूँ उसको दुनिया जानती है। अगर बेईमान हूँ तो मैं कितना ईमानदार हूँ उससे कह दूँ कोई नहीं मानता, सबको पता होता है। मैं अगर झूठा हूँ तो सबको पता होता है झूठा है, जबान से कहने से कुछ नहीं होता, सबको पता होता है कौन कैसा है। इस इलाके में जो लोग हैं उनके बारे में सबको पता है। अब ये है कि एक आदमी ने फ्लैट बनाए, सेल नंबर 4 में चार मांगे, 4-5 महीने बाद उसने दावत खिला दिया, दावत खिलाई। तीसरे दिन कोचलर साहब का फोन आ गया, उसने मेरे पास आओ, उसने 3 लाख रुपये इस बात के लिए कि तुमने चौधरी मोदी को दावत नहीं खिलाई। अभी है इस गली में विशीकटर मार्ग पर बन रहा है, मतलब कुछ लोग जाए 70 गजे में लग रहा है, 70,000 रुपये लेन पर मांग रहे। तो नेता मकान बनवाने के लिए है, रुकवाने के लिए है, बढ़वाने के लिए है, पैसे कमाने के लिए है? नेता तो लोगों की मदद करने के लिए है, तो मकान बनवाने के लिए है, पुलिस एनसीडी से बचाने के लिए है। आप बोरिंग लगा के दिखा दो, 10,000 रुपये बोरिंग के जाने, पानी कौन सा फ्री हो गया? मेरे घर का ऑफिस में पानी आता है, उसका 1100 रुपये का बिल है, खाली पीने का पानी ऑफिस का। बोरिंग लगे हुए हैं तो कौन सा पानी फ्री मिलेगा आपको? वाईफाई कहाँ लग रही है? तुम रातों रात दीवाने हो गए वाईफाई के, पानी के, उसके मुझे बता दो कितना किसको फायदा हुआ है, 200 यूनिट कितने लोगों को मिल रहा है। और हमारे मैं तो पूरे कारखाने फ्री में चले तो 200 यूनिट की बात कर रहा हूँ। एक पिछला खाया तो भूल जा रहा आदमी, सामने से आता हूँ कहेंगे उसके चक्कर में लग जाता है। इसी उम्मीद के साथ खाली मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बैठा ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उन लोगों की जिनकी हम मदद करना चाहते तो नहीं कर पा रहे। मेरे पास तो वही गाड़ी है, वही निशाने साथ में रहते हैं, वही घर है मेरा, मेरे को कोठी तो मिली भी ना थी, मैं इसी गली को पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ, उसी मकान में रहता हूँ, उसी ऑफिस में रहता हूँ, मुझे क्या दिक्कत। लेकिन दिक्कत तो उन लोगों की है जो हजारों लोग नजर रखते हैं कि हमारी मदद करेगा, हम उतनी मदद नहीं कर पा रहे। चौधरी बचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।